देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कैट, जो कैट एग्जाम होता है, IIM जो इंस्टीट्यूट्स हैं जितने भी, वहां का सिलेक्शन प्रोसेस परसेंटाइल के बेस पर कैसे होता है, वहां पर परसेंटाइल का क्या रोल है वो बताऊंगी। जेई मेंस में भी परसेंटाइल का यूज होता है और कैसे होता है और क्यों होता है वो भी बताऊंगी, ठीक है। और हमारे कैसे हुआ है, कहाँ इन्होंने मिस्टेक कर दी, वो भी इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगी। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब पेशेंस रख के मेरी इस बात को, इस वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना। आप लोग खुद एग्री करोगे कि जो ये HSSC है और जो कोलकाता इंस्टीट्यूट ने भी अगर इस रिजल्ट को, फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट को अगर सही करार दिया है, तो कैसे दिया है? क्या नींद में है क्या? वो नशा करते हैं क्या? कोई सस्ता नशा करके बैठे हैं क्या वहां पर? ठीक है, तो पहली बात करते हैं कि IIM जो इंस्टीट्यूट है वहां पर कैट के बेसिस पर, कैट कैट के बेसिस पे कैसे एडमिशन होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो वहां पर जो एडमिशन प्रोसेस है वो दो स्टेज में होता है, यानी बच्चे को दो स्टेज से निकलना होगा। पहला पहला उसको कैट एग्जाम देना होगा, ठीक है। जो कैट एग्जाम है वो सिंगल शिफ्ट में हो रहा है, कैट मल्टीपल शिफ्ट में नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी परसेंटाइल यूज कर सकते हैं। परसेंटाइल को सिंगल शिफ्ट में और मल्टीपल शिफ्ट में यूज कर सकते हैं। कैट ने अपना रिजल्ट परसेंटाइल में दिया, आप जो मिनिमम जो रिक्वायर्ड होती है कट ऑफ परसेंटाइल की, इनसे ऊपर ऊपर मतलब बच्चे है ना वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे सेकंड राउंड के लिए, यानी सेकंड स्टेज के लिए। अब जो बच्चे यहां से कैट में से, कैट की एग्जाम में से जो मिनिमम कट ऑफ को जो बच्चा क्वालिफाई करेगा, वो अगले स्टेज के लिए अब चला जाता है। अब जो अगली स्टेज है वहां पर इनका पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, और एक टेस्ट और होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं जिसको, या फिर एनालिटिकल रिटन टेस्ट बोलते हैं। और इनको जो 10th क्लास +2 ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस के भी नंबर मिलते हैं, वेटेज लगती है। अब बात करते हैं कि फाइनल रिजल्ट कैसे होता है वहां पर एडमिशन के लिए, ठीक है, समझने की कोशिश करना। फाइनल रिजल्ट में जो सेकेंड राउंड है, जहां पर उसका जो PI हो रहा था, पर्सनल इंटरव्यू, 10th+2 ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस और रिटन एबिलिटी टेस्ट, इन सभी की वेटेज लगती है। इनको जितने भी नंबर दिए गए हैं ना इनके लिए, उन नंबरों की वेटेज लगती है। प्लस बच्चे ने कैट में कितना स्कोर किया था, उसके जो रो मार्क्स है कैट में, उसके वेटेज लगती है, ना कि परसेंटाइल लगती है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने ये कहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो कैट है ना, उसमें बच्चे ने कितने नंबर लिए हैं, उन नंबरों की वेटेज लगती है, ना कि परसेंटाइल लगती है। परसेंटाइल सिर्फ क्या काम कर रही है, परसेंटाइल सिर्फ कैट में से बच्चे उठा रही है, शॉर्टलिस्ट कर रही है और अगले राउंड के लिए उनको क्वालिफाई कर रही है, उनको भेज रही है, बस खत्म परसेंटाइल का काम, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं कि जो जेई मेंस का एग्जाम होता है, जेई मेंस का जो एग्जाम होता है, NTA करवाती है जो, उसका रिजल्ट भी परसेंटाइल में आता है, क्योंकि जेई मेंस का जो एग्जाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है, इसलिए वहां पे परसेंटाइल वो लोग यूज करते हैं और रिजल्ट को वहां पर परसेंटाइल में निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो परसेंटाइल है, ये सिर्फ यहां पर बच्चों को एलिजिबल बना रही है अगले एग्जाम के लिए, जो अगला एग्जाम है ना जेई एडवांस, उसके लिए एलिजिबल बना रही है बच्चों को, आगे जुड़ेगी नहीं वो। जेई एडवांस का जो रिजल्ट है, जो कट ऑफ है, वो नंबर में आती है, मतलब एक न्यूमेरिक क्वांटिटी में आती है, मार्क्स एक न्यूमेरिक क्वांटिटी है, उसमें उसकी कट ऑफ आती है। और जो जेई मेंस की जो परसेंटाइल है ना, परसेंटाइल जो क्वांटिटी है वो उसका, और जेई एडवांस के जो नंबर है इनका कोई एडिशन, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है भाई दूर दूर तक। अगर है तो दिखा दो हमें भी पता लगे कहीं हमने ही गलत पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल कांस्टेबल में। फीमेल कांस्टेबल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना फाइनल, सेम IIM में जो एडमिशन प्रोसेस होता है ना, सेम उसी की तरह है, लेकिन वहां पर सिंगल शिफ्ट होता है, लेकिन हमारे यहां पे मल्टीपल शिफ्ट है।
बाकी जो जो रिटर्न में जो परसेंटाइल लगा है वो सेम काम कर रहा है, वो शॉर्टलिस्ट कर रहा है अगले राउंड के लिए। ऐसे ही हमारे फीमेल कॉन्स्टेबल के रिजल्ट में जो परसेंटाइल लगाया एक बार, वो सिर्फ शॉर्टलिस्ट कर रहा था बच्चे शिफ्टों में से अगले राउंड के लिए, यानी पीएसटी के लिए। अब भाई यहाँ पे सारी गड़बड़ आकर के रुकती है कि जो एक्स्ट्रा नंबर है ना वो ऐड कैसे होंगे। एक बात बता दो मुझे, एचएसएससी और इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, एक बात बता दो मुझे, हमारे जो 20 मार्क्स है ना एक्स्ट्रा सोशियो इकोनॉमिक एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स, वो न्यूमेरिक क्वांटिटी है, उसको ऐड करने के लिए आपको न्यूमेरिक क्वांटिटी ही चाहिए। क्या आप परसेंटेज में ऐड कर दोगे? एक न्यूमेरिक क्वांटिटी को क्या आप परसेंटेज में या परसेंटाइल में ऐड कर सकते हो? कर सकते हो आप तो भाई कुछ भी कर सकते हो। इस बार आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया हमारे रिजल्ट में आपने, ठीक है, आपने कर दिया। फीमेल कॉन्स्टेबल के रिजल्ट में जो कट ऑफ है, जनरल की बात करती हूँ, 108 बताइए। घर वालों ने पूछा रिजल्ट आया तब, 108 है क्या? मैंने कहा परसेंटाइल है। बोले परसेंटाइल तो 100 से ऊपर हो ही नहीं सकती है। मैंने कहा मार्क्स है फिर? बोले मार्क्स कैसे हैं? मार्क्स में मार्क्स तो ऐड ही नहीं हो रहे हैं, यहां पर तो तुम्हारी परसेंटाइल में मार्क्स ऐड हो रहे हैं, मार्क्स कैसे बोल रही है तू? हमारे पास जवाब ही नहीं है। हमारे पास नहीं है लेकिन इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के तो पास होगा भाई, वो कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, एचएसएससी के पास तो होगा। हमें गलत साबित कर दो, क्या पता हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि 108 को मैं क्या बोलूं। मैं ये बता दो आप, एक न्यूमेरिक क्वांटिटी जो 20 मार्क्स में से जो एक्स्ट्रा नंबर ले रहा है ना बच्चा, वो मार्क्स है, उसको ऐड करने के लिए आपको मार्क्स ही चाहिए। मार्क्स में मार्क्स ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने परसेंटाइल यूज कर दिया, आपने बोल दिया आईएसआई इंस्टीट्यूट वालों ने बोल दिया कि कर लो यूज, और जो भी ऐड करना है वो बाद में परसेंटाइल में आप यूज कर लेना। अरे स्टडी कर लो, पहली बात तो इस चीज पे स्टडी कर लो बैठ के। ये पहली बार हुआ है ना, ये आप लोगों के लिए एक एक्सपेरिमेंट हो गया। आप लोगों को तो मतलब पीएचडी करने का टाइम मिल गया, आपको रिसर्च कर लो पहले तो, और करना भी हमारे रिजल्ट पे था। बच्चों को लटका के रख दिया, मजाक बना के रख दिया है बच्चों का। आपको एक्स्ट्रा नंबर ऐड करने हैं ना, या तो आप एसएससी वाला मेथड ले आओ, पहले हमारे नंबरों को कम ज्यादा कर दो, लेकिन नंबर तो नंबर ही रहेंगे ना, हमारे नंबरों को आप नॉर्मलाइज कर दो एसएससी करती है जैसे, नंबरों को कम ज्यादा कर दो आप, फिर उसमें एक्स्ट्रा नंबर है वो नंबर सीधे ऐड हो जाएंगे। अगर आप परसेंटाइल दोबारा नहीं लगाना चाहते, नहीं समझ में आ रहा ना, तो छोड़ दो इस मेथड को, ठीक, आप दूसरा मेथड यूज कर लो आप। भाई बिल्कुल, जो जिन लड़कियों का फाइनल ये जो रिजल्ट आया था फीमेल कॉन्स्टेबल का, जो इन जिनका रोल नंबर आया हुआ है वो भी मतलब कंफ्यूज है, उनको भी चिंता हो रही है, और जो रिवाइज चाहती हैं लड़कियां वो भी मतलब कंफ्यूजन में है, वो भी चिंतित है कि पता नहीं रिवाइज होगा कि नहीं होगा। जिनका उसमें नाम आया है वो चिंतित है कि पता नहीं ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। सबका मजाक बना के रख दिया टोटली। और जो मेल कॉन्स्टेबल है 25-30 हजार, इनका भी यही हाल कर दिया आप लोगों ने, बताओ। तो सर मैं एक 13-14 पेजेस की एक फाइल मैं एचएससी भेज रही हूं, मैंने और मेरे साथ एक और है, हम दोनों ने मिलकर के फाइल रेडी की है, फाइल बनाई है, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए उसमें, ठीक है। वो मैं फिर से, वो बंदा है वो आरटीई लगा रहा है मेरे साथ, वो आपको भेज रहा है, एक एक कॉपी एचएससी को भेज रहा है, एक कॉपी न्यू दिल्ली स्टैटिकल इंस्टीट्यूट को भेज रहा है, और एक कॉपी जो स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो कोलकाता वाला जो हेडक्वार्टर उसको भेज रहा है। सर अपना अपना जो स्टाफ है उसको बुलाइए एक बार, कोरोना चल रहा है, मान रहे हैं कि आपका स्टाफ नहीं होगा, आपने बिल्कुल इतनी आसानी से बोल के दे दिया कि ये जो रिजल्ट है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप अपना स्टाफ बुलाइए, मीटिंग कीजिए, स्टडी कीजिए, लेकिन भाई हमारा रिजल्ट भाई रिवाइज कर दीजिए आप, वरना हमें ना सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करना पड़ेगा, और जो कोई टॉप मतलब डिपार्टमेंट है या एपेक्स बॉडी है हमें उसको अप्रोच करना पड़ेगा मजबूर होके। गलत तो गलत है, देखिए इसे, स्टडी कीजिए इस पर। चलो यही कहना था, अगर दोस्तों अगर समझ में आई है तो प्लीज इनको शेयर करो, ताकि इंस्टीट्यूट वाले भी हैं इनकी नींद खुल जाए, और एचएसएससी जो खदरी साहब है, चेयरमैन साहब है, इन तक भी एक बार बात पहुंचा दो, ठीक है, एक बार पूरी स्टडी कराओ प्लीज।
और बाकी देखो मैंने मेहनत की है इस पेपर के पीछे, बहुत सारी लड़कियों ने की है और मतलब बहुत गलत भी हुआ है उनके साथ, अच्छे मार्क्स होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ लास्ट में एक बात और पूछना चाहती हूँ कि एक ही शिफ्ट में मैंने एग्जाम्पल लेकर के दिखाया है, जो फाइल मैं आपको भेजूंगी उसमें मैंने एग्जाम्पल लेकर के दिखाया है कि आप जैसे कर रहे हो ना परसेंटाइल प्लस मार्क्स कर रहे हो, मैंने एक सिंगल शिफ्ट का एग्जाम्पल लेके देखा। मैंने पहले बिना परसेंटाइल के रिजल्ट निकाला क्योंकि वहां पे मुझे मतलब नंबरों को, मल्टीपल शिफ्ट नहीं है तो मुझे मतलब कोई नंबरों को कम ज्यादा नहीं करना पड़ा, सीधा मैंने ऐड कर दिए रिटर्न में और एक्स्ट्रा, और मैंने रिजल्ट निकाला ठीक है। फिर मैंने परसेंटाइल लगा करके, आप जो कर रहे हो ना परसेंटाइल प्लस मार्क्स, मैंने इस मेथड से रिजल्ट निकाला। भाई क्या गजब मतलब रिजल्ट निकला, दोनों दोनों लिस्ट अलग अलग आ रही है। सिंगल शिफ्ट की बात कर रही हूं, मैंने सिंगल शिफ्ट में लगा करके देखा था ठीक है, परसेंटाइल सिंगल में भी लगा सकते हो मल्टीपल शिफ्ट में भी लगा सकते हैं। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एक ही एग्जाम में एक ही बच्चे की दो अलग अलग पोजीशन कैसे आ रही है, ये बता दो अलग अलग पोजीशन कैसे आ रही है। जो एक्चुअल में जो बच्चा टॉप पर है आप वाले मेथड से, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो बीच में आ गया कहीं पर, और जो कहीं बीच में था आप वाले मेथड से वो ऊपर आ गया। बताओ दाद देनी पड़ेगी आपके ना मेथड की, दाद देनी पड़ेगी, पूरा हमारा टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों ने, हमारी पढ़ाई वेस्ट कर दी है, हमारी कोई वैल्यू नहीं रखी है। डेली हमें ना सोशल मीडिया के थ्रू, वीडियो के थ्रू आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की, मतलब हमारा काम तो यही रह गया बस, लाइव आके वीडियो बना बना के आप लोगों तक मैसेज पहुंचाएं हम किसी तरह, हमारा काम यही रह गया, और सारे काम तो हम छोड़ दें, बस आप लोगों को समझाने में हम लग जाएं बस। तो सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता न्यू दिल्ली और HSSC, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको स्टडी कीजिए, ये जो नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना आप लोग, इसको प्लीज स्टडी करो आप। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपना इस्तीफा दे दो आप इंस्टीट्यूट से, लेकिन हमारे साथ है ना, हमारे एग्जाम के साथ, हमारी जिंदगी के साथ, हमारे ना पढ़ाई के साथ मजाक मत कीजिए प्लीज। धन्यवाद सर, और हो सके तो दोस्तों प्लीज उन तक पहुंचा दो ये वीडियो, अगर आपको लग रहा है ना कि ये बात सही है और रिवाइज चाहते हो आप, सही चाहते हो तो प्लीज पहुंचा दो उन तक। नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत हमें नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, कौन कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत है। आप लोगों ने पता नहीं कर क्या दिया, परसेंटाइल का कर क्या दिया आप लोगों ने, सारी दिक्कत तो एक्स्ट्रा पे आकर के रुक जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा को ऐड करना, हमारे यहां पे एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, आप तो लेकर के सीधे परसेंटाइल में घुसा दिए उनको, परसेंटाइल में ऐड कर दिए। अरे भाई जो 20 है वो हमारे एक्चुअल नंबर है, वो मार्क्स है, न्यूमेरिक क्वांटिटी है, 20 नंबर जो है न्यूमेरिक क्वांटिटी को आप न्यूमेरिक क्वांटिटी में ही ऐड कर सकते हो, 10 मार्क्स को आप 10 आप 20 मार्क्स में ऐड कर सकते हो ठीक है, 10 नंबर को आप 100% में, 90% में या 90% में ऐड नहीं कर सकते, कोई लॉजिक नहीं है, पता नहीं कहां से लिया ये इतना ज्ञान ठीक है चलो।